हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, पर क्या आपने हरे चने का हलवा खाया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फाइबर और विटामिन ई से भरपूर हरे चने का हलवा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी है और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी ताज़ा हरे चने ले लिए हैं, 1/3 कप ऑफ शुगर ले लिया है, यहाँ पर 2 चम्मच के आसपास मैंने घी लिया है, इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स और साथ ही दूध ले लिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारे हरे चने हैं उन्हें हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इन्हें हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हरे चने का पेस्ट रेडी कर लिया है। हमें एकदम बारीक पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसके बाद यहाँ पर एक पैन में हम घी डाल देंगे और घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा मेल्ट होने के बाद, उसके बाद हम इसमें जो हमारे चने का पेस्ट है वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप घी की क्वांटिटी, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ले सकते हैं, पर एक कटोरी चने में इतना घी सफिशिएंट है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे थोड़ी ही देर में जो ये चने हैं वो घी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और जो हमारा हरे चने का पेस्ट है वो अच्छे से सिक जाए। हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद इसका जो कलर है आप देख सकते हैं चेंज होने लग गया है, और साथ में जो खुशबू है वो भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मतलब हमारा जो पेस्ट है वो सिक चुका है। जब भी आप कोई भी हलवा बनाते हैं तो जैसे उसकी खुशबू आने लगती है, थोड़ा कलर आने लगता है, तो मतलब वो सिक चुका है। अब इसके बाद हम इसमें 1/2 गिलास दूध डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पानी नहीं डालना है, दूध से हम ये हलवा बना रहे हैं। अब इसमें हम 1/3 कप ऑफ शक्कर डाल देंगे। फ्रेंड्स, शक्कर जो है, आपको कम मीठा चाहिए तो और भी कम कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है फ्रेंड्स, अदरवाइज ये पैन में चिपक भी सकता है। इसे हमें बिल्कुल इस तरह से चलाते रहना है कंटिन्यूसली, और जो हलवे की कंसिस्टेंसी है हमें बिल्कुल इस तरह की चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पक भी चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इसके बाद इसमें मैं जो हमारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे मैंने, किशमिश, काजू, बादाम और पिस्ता, वो डाल दूंगी। आपकी चॉइस के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इलायची पाउडर से हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी हो जाता है, तो आप इलायची पाउडर ज़रूर डालिए हलवे में, आप चाहे कोई सा भी हलवा बना रहे हो। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा टेस्टी चना हलवा बिल्कुल रेडी है और इसे अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।